हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग शुरू करी, मैं शाम से शुरू करी, शाम के बज गए 6:30। छत में ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, मौसम बढ़िया, कूल कूल। और सब हम आ रखे हैं दीपिका को छोड़ के। पूनम घूम रही है, पौधों को पानी दे दिया है, बाप बेटे घूम रहे हैं आसमान में। फिर देखो बादल है, तो आज पूनम एरोप्लेन गिन रही है कितने आ रहे हैं। शिवान घूम रहा पापा के साथ। वहाँ पे कल ही पालक लाए थे, और पालक रह गया हमारा बाहर, फ्रिज में रखना भूल गई, तो ये किस तरह हो गया। इसके करते हैं तो पालक के करते हैं थोड़ा सफाई, साफ करते हैं पालक को। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पालक साफ। अब सब इसका जो बनाएगी पूनम बनाएगी, मैं नहीं बनानी पूनम बनाएगी फिर रेसिपी। पता नहीं क्या बनाएगी, चीला बोल रही थी। तो मैं लाई 2 किलो टमाटर। तो मेरे को टमाटर देके एक चीज़ याद आई कि मैं क्या चटनी बनाती हूँ, टमाटर की जो चटनी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। आपको भी खानी है? कल खाए गुजिया, ठंडी ठंडी फ्रिज में रखे थे। ये गुजिया अग्रवाल की गुजिया, होली के बाद क्या अग्रवाल से ही लाया ना सोनू। इसके अंदर पता नहीं क्या ही बता रहा, खोया किशमिश सूजी भी डाल रखी इन्होंने बहुत कम मात्रा में, चाशनी अंदर तक घुसी हुई है, काफ़ी यमी हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ आज टमाटर की स्पेशल चटनी। तो उसके लिए लिया मैंने 4 लाल टमाटर, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, और उसमें जाएगा हरा धनिया, नींबू। जो मसाले मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले इनको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लंबा लंबा टमाटर को काट लिया है, और यह है फ्राई पैन, तो उसमें डालूँगी मैं ऑयल। और इसे होने देंगे गरम। तेल हो चुका है गरम, टमाटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने टमाटर, उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा नमक, टमाटर हमारे गल जाए अच्छे से। साथ में डाल दूंगी लहसुन की कलियां, हरी मिर्च भी साथ में डालूंगी, ये भी थोड़ा सा भून जाएंगी, और अब भून जाएंगे साथ में, और अब उसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। टमाटर को खाने देते, टमाटर को और पलट देंगे दूसरी साइड। गैस की फ्लेम ने कम करके पिटक देंगे। यहाँ पे टमाटरों का हाल देख लेते हैं,
तो इनका छिलका देखिए अपने आप ही ऊपर आ गया। तो इनका छिलका उतार लेती हूँ। यहाँ पर जो मैंने चटनी के लिए सामग्री लिए है वो है चीनी का बोरा, काला नमक, एक नींबू का रस, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा का पाउडर और एक प्याज काट लिया है और साथ में लिया है चाट मसाला। इससे बनेगी हमारी बेहतरीन खट्टी मीठी चटनी। जब हमारे टमाटर गल चुके हैं तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और छिलके भी उतार लिए टमाटर के। हम इसे बाउल में ट्रांसफर करूँगी। यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इनको अच्छे से मैश कर दूँगी, अच्छे से इनका हलवा बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक जो मैंने प्याज काटा था, प्याज भुना हुआ, जीरा, ये आप अपनी मतलब मर्जी हो आप डालें ना डालें, चीनी का बोरा, खट्टी मीठी बनती है इसे चटनी, एक नींबू का रस, हरा धनिया, काला नमक, नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा टेस्ट करके डालना, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। इसको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स। कैसे इतनी टेस्टी बनती है ना चटनी, आप सब्जी खाना भूल जाओगे और रोज यही चटनी बनाओगे। बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। कोई बात नहीं, गोभी आलू की सब्जी बनाई है चटनी ले। ले भी नहीं रहा ना ढंग से, लेना चटनी है सब्जी छोड़ कर। सही है गाइस, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हो अगले वीडियो अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।